बनाएंगे। भाई लाइट वो आ जाओ ना यार, सर उधर जाओ, सर उधर से आ जा, सच तू सबसे पहले आ जा, नहीं नहीं मोबाइल तो आपके लेना भाई। अरे मैं आ गया जी, मारे मारे कुणाल, अरे मारे आज भी बताना पड़ रहा है, हमारी मोबाइल मोबाइल भाई मोबाइल 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 भाई। अच्छा अरे मोबाइल पीछे ले भाई, अरे आ जा भाई, आज भी रुका रहा है, हां मोबाइल है किशन भाई, आज भी सब पीछे पीछे आ रहे हो, आज अरे यार लोग है झगड़ा क्यों कर रहे हैं यार, रिकॉर्ड है रिकॉर्ड, अरे मोबाइल भाई फोन वाले थोड़ा पीछे आ जाओ यार, मैं खत्म हो गया आकाश, आ जा भाई, ए तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, बाबा मैं बाबा, अरे बाबा को तो बुलाओ, अरे बाबा जी बाबा, अरे बाबा खड़ा था कुछ निकाला नहीं, भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, कैमरा पीछे ना, मैं अपनी मुंडी खाएगा वो भाई, वो मोबाइल का काटो
मैटिंग है। अभी दूसरे केक के साथ ले मेरा सेम। टू मिनट भाभी I think कोई भी milestone बहुत ही अच्छा होता है and 100 episodes is I think just the beginning. मतलब उम्मीद है कि ये show धीरे धीरे देखते ही देखते 500 तक पहुँचे, 1000 तक पहुँचे और लंबा चलता रहे. एनी milestone that you complete I think खुशी होती है and देखते देखते हमें 6 महीने shoot के गुजर गए और 3 महीने ऑन एयर गुजर गए, पता ही नहीं चला टाइम कैसे गया, पता ही नहीं चला सिंस डे वन. और आज इतना कुछ ना कुछ हुआ है शूट के बीच में, हर चीज़ को हमने ऐसे ही टैकल किया और यूँ निकल गया टाइम की पता ही नहीं चला कि कैसे इतना वक्त गुजर गया. जब क्रिकेट भी चल रहा था उस वक्त की शो की बात करें तो शो टॉप 10 की यार उस बात पे तो हाल ही में जितने मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं सब ने यही सवाल मुझे पूछा है और मैंने यही बोला है कि यू नो हर शो अपनी एक छाप बना चुका था और हम आईपीएल के एक हफ्ते पहले लॉन्च हुए थे. पर उस दौरान भी जब से हम लॉन्च हुए थे विद अ हेल्दी रेटिंग ऑल थ्रू द आईपीएल वी हैव सस्टेन्ड इन टॉप 5 एंड चलते शोज़ में वो जगह अपनी बनाना और बना के रखना कंसिस्टेंटली आई थिंक बहुत बड़ी बात है. एंड नाउ द नंबर्स आर शोइंग द लव इज़ शोइंग और हमारा शो ग्रो हो रहा है जो कि होना ही था. आईपीएल की वजह से सब थोड़े डाउन होते हैं बट थैंकफुली हम कंसिस्टेंट थे. सो आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि लोग प्यार दे रहे हैं और हमारा शो है यार वैसा जो जिसे प्यार मिलेगा लोगों का बिकॉज बहुत ही रिलेटेबल है. सो आई एम जस्ट हैप्पी. यार कौन नहीं चाहता है कि 1000, 2000, 3000 हर शो करे. चाहता तो मैं पंड्या का टाइम भी था पर वो 850 में लीप कर डाला ये लोग ने, वरना सोचा तो यही था कि 1000 का केक कटेगा उस सेट पे भी. तो वही हम एवरी टाइम ट्राई करते हैं कि एवरी डे बेस्ट डे हमारा. हाँ. और एवरी डे कुछ ना कुछ नया ही करते हैं सीन में. एवरी डे कुछ ना कुछ नया ही करते हैं सीन में. कुछ रेपिटेटिव अब तक ड्रामा हमें नहीं लगा और ना ही स्टोरी वाइज ऐसा कुछ लगा है. सो दैट आई थिंक कि जिसके कारण ही लोग इतने एंगेज रहे हैं हमारी स्टोरी में. और जिस तरह से हमने एक सचिन साइली की स्टोरी बताई जिस स्पेस में हम फ्रेंडशिप से एक लव स्टोरी भी दिखाएंगे हमारी. सो आई थिंक दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ रियलिस्टिक टच देता है जो. पर सवाल उनका वो था कि आप कितने एपिसोड तक सोचते हैं चलेगा, आपका एम क्या है? एम वही मैं बोल रही ना, एवरी डे वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितना चले. वी कांट से कि इतना ही होना चाहिए, जितना चलेगा उतना चलेगा, बट वी आर ऑब्वियसली वांटिंग टू गेट मोर एंड मोर. आज भी नजर आती है. अच्छा यह मुझे ऐसा लगता है कि सचिन और शिवा ना जैसे मेरे फैंस बोलते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स में दो अलग दुनिया के दो लोग हैं. मतलब सचिन को तो मैंने बहुत ही अलग बनाने की कोशिश की है और बना दिया है. पहले मैं बोलता था कि आई होप लोगों को लगे, बट अब तो लोगों को लगता ही है क्योंकि वो बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं सचिन और शिवा में. तो मुझे ये लगता है यार आपने एक एक शो अगर बहुत साल किया हो ना, जैसे 2.5 साल मैंने पंड्या स्टोर ऑलमोस्ट 2.5 साल किया, तो ऑफकोर्स वो छाप निकलने में बहुत टाइम लगता है. पर मैंने सक्सेसफुली पर्सनली जितना मैं खुद को जानता हूँ प्रोफेशनली भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं शिवा को अंडू कर चुका हूँ और सचिन को मैंने वैसे ही जैसे शिवा को क्रिएट किया था वैसे ही अपनी तरफ से ढाला है खुद को इसमें. एंड रिलेटेबल तो मेरे लिए बहुत है पर्सनली क्योंकि मैं मुंबई का बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और मेरे बहुत सारे मराठी दोस्त हैं और बहुत सारे स्लैंग्स तो मैं खुद भी बोलता हूँ. तो आधा टाइम तो डायलॉग्स में मैं खुद के लाइन मार रहा होता हूँ, आधे होते भी नहीं है लिखे हुए, तो मुझे मज़ा आता है. सो आई थिंक इट वॉज़ मेंट टू बी फॉर मी. सो मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ.
आई एंजॉय साइली अ लॉट. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे लिए थोड़ा सीन करना इजी लगता है, रिलेटेबल लगता है, बिकॉज समवेयर आई सी नेहा में साइली है थोड़ी बहुत. आई एम नॉट सेइंग टोटली. और जो जो सीन्स हम करते हैं आई थिंक सम और दी अदर वे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैसा होता है. नॉट टोटली बट एक सीन एक दिन में एक चीज़ तो वैसी होगी जो रिलेट कर पाएंगे ऑडियंस बोलो या नेहा भी. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी व्हेन आई पोर्ट्रे साइली. एंड आई रियली एंजॉय द कैरेक्टर साइली व्हेन आई एम वर्किंग ऑल्सो ऑन सेट और वैसे भी जो सीन्स हम करते हैं. साइली और सचिन की स्टोरी की शुरुआत हुई थी नफरत से, दुश्मनी से, फिर ज़बरदस्ती शादी हो गई, फिर कोशिश की कि दोस्ती कर लें. अब दोस्ती से भरोसे तक पहुंच चुकी है बात. अब बात यहाँ पे है कि भरोसा टूटना नहीं चाहिए, पर ऐसा कुछ सचिन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में साइली सचिन से छुपाती है. सुधाकर के बारे में कि सुधाकर ने दारू की तस्करी की थी सचिन की गाड़ी में और सचिन को ये बात पता नहीं है कि साइली छुपा रही है. तो अब आगे कहानी में ये है कि जब इसे पता चलेगा कि ये है तो उस भरोसे का क्या होगा, जो कि बहुत मुश्किल से वैसे भी इस इंसान ने साइली पे किया था. तो आगे बहुत ड्रामा है, बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा. एंड बस ये कहना चाहेंगे कि थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑल द लव. एंड लोगों को सीन्स और एपिसोड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. थैंक यू.